नमस्कार, मैं अरिन कुमारी, आप देख रहे हैं पब्लिक एशिया न्यूज चैनल। वक्त हो चला है पब्लिक एशिया प्राइम टाइम का, तो चलिए रूबरू कराते हैं आपको देश के विभिन्न राज्यों की अहम खबरों से। नमस्कार, मैं अरिन कुमारी, आप देख रहे हैं पब्लिक एशिया न्यूज चैनल। इसी के साथ अब वक्त हो गया है दिल्ली की बड़ी खबरों का। पहली खबर की ओर चलते, बता दें राजधानी में 142 प्रत्याशियों पर नोटा भारी पड़ा है। अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों में इन प्रत्याशियों को नोटा से कम वोट मिले हैं। बता दें नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में सबसे ज्यादा 8,946 मतदाताओं ने नोटा का बटन दबाया। दूसरे नंबर पर वेस्ट दिल्ली सीट पर 8,460 मतदाताओं ने नोटा का इस्तेमाल किया। सातों सीटों पर कुल 4,43,083 मतदाताओं ने नोटा का बटन दबाया है। और अगली खबर की ओर चलते, बता दें आम आदमी पार्टी के विधायक राजधानी में फिरकी साबित हुए हैं। साल 2014 के बाद यह लगातार तीसरी बार है जब लोकसभा चुनाव में विधायकों का प्रदर्शन बेहतर नहीं रहा है। हालांकि कांग्रेस के साथ हुए गठबंधन के कारण वोट प्रतिशत जरूर बढ़ा है और आम आदमी उम्मीदों का 40 से 45% के वोट मिले हैं, जबकि साल 2019 में हुए चुनाव में यह आंकड़ा 16 से 17% रहा था। और अगली खबर की ओर चलते, बता दें दिल्ली एनसीआर में भीषण गर्मी का दौर जारी है। मंगलवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री अधिक 43.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सोमवार को यह 44.6 डिग्री था। मौसम विभाग के अनुसार बुधवार को आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। विभिन्न स्थानों पर लू चलने के आसार है। दिन के समय 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से झोंकेदार हवा चलेगी। और अगली खबर की ओर चलते, बता दें लोकसभा चुनाव के रुझान और नतीजे आने के बाद डीडीयू मार्ग स्थित भाजपा मुख्यालय में शंखनाद शुरू हो गया है। रुझानों में बढ़त देख भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ता गया। कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों की थाप पर झूमते थिरकते दिखे। दोपहर 12 बजे के करीब जब जीत स्पष्ट होने लगी तो वैसे ही कार्यकर्ताओं ने मिठाई खिलाकर एक दूसरे का मुंह मीठा किया। जश्न को लेकर सुबह से ही कार्यकर्ता अलग अलग अंदाज में यहां पहुंचते नजर आए थे। कोई साइकिल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कटआउट, तो कोई मोदी की ड्रेस में और कुछ विजय शंख लेकर पहुंचे थे। और आखिरी खबर की ओर से तो बता दें चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा प्रत्याशी जहाँ धनुधर की तरह बाण चला रहे थे, वहीं केंद्रीय नेतृत्व हर समय सारथी की भूमिका में नजर आया था। केंद्रीय नेतृत्व चुनावी दाव पैच के हर गुण सिखाता रहा है। विपक्ष को भाजपा ने कहीं चक्रव्यूह में फंसाया तो कहीं विपक्ष के चक्रव्यूह को भेद कर सातों सीटों पर विजय हासिल कर ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का भी चुनाव के दौरान जादू चला। दोनों ही ओर से संसदीय क्षेत्रों में की गई सभाओं ने असर तो दिखाया है। ऐसी तमाम जानकारी के लिए देखते रहे पब्लिक एशिया न्यूज चैनल। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं जैनिश मिसी और आपका स्वागत है पब्लिक एशिया न्यूज में। अब वक्त है उत्तराखंड की बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराने का। पहली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें लोकसभा चुनाव के परिणाम देश भर में कांग्रेस के लिए भले ही उत्साहवर्धक हों, लेकिन उत्तराखंड में पार्टी के माथे पर बल डाल दिए हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण महारा ने कहा कि प्रदेश में भले ही कांग्रेस को आशातीत परिणाम नहीं मिले, लेकिन पार्टी ने पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनाव की तुलना में अच्छा प्रदर्शन किया है। पार्टी के मत प्रतिशत में बढ़ोतरी हुई है। वहीं अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटों पर लगातार तीसरी बार जीत की हैट्रिक लगाने की भाजपा को खुशी तो है, मगर कहीं ना कहीं उसे वोट कम होने की कसक भी साल रही है। पार्टी ने 75% से ज्यादा वोट हासिल करने का लक्ष्य बनाया था, लेकिन पिछले चुनाव की तुलना में उसे 5% वोट कम मिले। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें खानपुर विधायक उमेश शर्मा का विधानसभा से लोकसभा का सफर तय करने का सपना चकनाचूर हो गया। विधानसभा चुनाव में निर्दलीय के तौर पर जीतने वाले उमेश कुमार लोकसभा चुनाव में तीसरे स्थान पर रहे। विधायक से सांसद के तौर पर प्रमोशन पाने के चक्कर में उनकी पोजीशन खराब हो गई। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें उत्तरकाशी के सहस्रताल ट्रैक में फंसे ट्रैक्टरों को रेस्क्यू करने के लिए एसडीआरएफ को उत्तराखंड पुलिस की 2 टीमें रवाना हुई हैं। इसमें एक टीम को बैकअप के लिए रखा गया है। ये ट्रैक टिहरी और उत्तरकाशी जिले के बीच है। यहाँ 22 सदस्यीय ट्रैकिंग दल गया था जो खराब मौसम के बीच रास्ता भटक गया था। इसके 4 सदस्यों की मौत हो गई, दूसरे ट्रैकरों की भी हालत खराब बताई गई है। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में बुधवार को आंशिक बादल छाए रहते हैं।
कहीं कहीं गरज चमक के साथ ओलावृष्टि होने की संभावना है। मंगलवार को देहरादून का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा, जिससे भीषण गर्मी महसूस की गई। एक तो सूरज की तपिश, दूसरी सरकार बनाने की चर्चा के चलते पूरा दिन देहरादून की सड़कें सूनी पड़ी रहीं। सुबह से ही चटक धूप खिलने से पारा तेजी से बढ़ा। दोपहर के समय हवा चलने से गर्मी से हल्की राहत मिली, लेकिन सूरज के तेवरों ने सबको बेहाल करके रखा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें पब्लिकेशन न्यूज़। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं जैनिश मसी और आपका स्वागत है पब्लिकेशन न्यूज में। अब वक्त है महाराष्ट्र की बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराने का। पहली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद महाराष्ट्र से बड़ी सूचना सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना के कई सांसद उद्धव ठाकरे के संपर्क में है। महाराष्ट्र में शिवसेना को 7 सीटें मिली हैं। सूत्रों के मुताबिक 7 में से आधे से ज्यादा सांसद उद्धव ठाकरे के संपर्क में हैं। इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने को लेकर उद्धव ठाकरे गंभीर हैं। महाराष्ट्र में कुछ महीने बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं और जिस तरह इंडिया गठबंधन ने बड़ी जीत हासिल की है, उससे शिंदे के नेताओं का मन डोल रहा है। जरूरत पड़ी तो उद्धव शिंदे के सांसद तोड़कर एनडीए को झटका दे सकते हैं। इससे पहले मंगलवार को सूत्रों ने दावा किया था कि शरद पवार ने जेडीयू और टीडीपी से संपर्क साधा था। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, लोकसभा चुनाव के नतीजे मंगलवार 4 जून को आ गए हैं। इस बीच महाराष्ट्र की मुंबई नॉर्थ वेस्ट लोकसभा सीट से शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के उम्मीदवार रविंद्र दत्ताराम वायकर ने सिर्फ 48 वोटों से जीत दर्ज की है। आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत का ये सबसे छोटा मार्जिन है। वहीं बता दें कि एक समय ऐसा था जब अमोल कीर्तिकर एक वोट से रविंद्र वायकर से आगे थे, लेकिन 26 राउंड की गिनती के बाद हुई रिकाउंटिंग और इनवैलिड पोस्टल वोट के वेरिफिकेशन के बाद रविंद्र वायकर ने अमोल कीर्तिकर को 48 वोट से हरा दिया। पहले अमोल कीर्तिकर 681 वोटों से जीते थे, लेकिन इस जीत पर आपत्ति जताते हुए रविंद्र वायकर ने दोबारा वोट गिनने की मांग की। रिकाउंटिंग हुई और इनवैलिड पोस्टल वोट के वेरिफिकेशन के बाद रविंद्र वायकर ने अमोल कीर्तिकर को हरा दिया। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, पालघर से बीजेपी विजयी घोषित हुई। भिवंडी से एनसीपी शरद ने जीत हासिल की तो रायगढ़ की सीट एनसीपी अजित गुट के प्रदेश अध्यक्ष सुनील कटकरे के नाम गई। पूरे एमएमआर में बीजेपी ने 2 सीटें अपने नाम की, जबकि कांग्रेस और एनसीपी शरद को एक एक सीट हासिल हुई। एमएमआर की सीटों पर शिवसेना के दोनों गुटों में जबरदस्त रस्साकसी थी। दोनों गुटों ने एक दूसरे पर बढ़त हासिल करने के लिए पूरी ताकत लगा दी थी। इन नतीजों का असर अक्टूबर में होने वाले विधानसभा चुनावों के साथ साथ स्थानीय निकाय चुनावों पर भी असर पड़ सकता है। अभी मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, वसई विरार, पनवेल, उल्हासनगर समेत कई महानगर पालिकाओं के चुनाव होने हैं। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, छत्रपति शिवाजी की धरती महाराष्ट्र में बीजेपी की अगुवाई वाले महायुति को बड़ा झटका लगा। पार्टी छूटने छिनने के बाद नए नाम और नए सिंबल के साथ लोगों के बीच गए शरद पवार और उद्धव ठाकरे योद्धा बनकर उभरे हैं। लोकसभा चुनावों का जब ऐलान हुआ तब दोनों के लिए अपनी जमीन बचाने रखने को काफी कठिन चुनौती माना जा रहा था। महाराष्ट्र की 48 सीटों के चुनाव परिणाम में शरद पवार की अगुवाई एनसीपी को 8 सीटों पर जीत मिली है। उनकी पार्टी कुल 10 सीटों पर ही चुनाव लड़ी थी। उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी कुल 21 सीटों पर लड़ी थी, उसे 9 सीटों पर जीत मिली है। उसकी सीटों की संख्या बीजेपी के बराबर है। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, मॉनसून के गोवा में सेट होने के बाद मुंबई को पहली प्री मॉनसून बारिश मिली है। 5 जून की सुबह मुंबई के तमाम इलाकों में बारिश होने से मौसम सुहावना हो गया। मौसम विभाग ने पिछले हफ्ते अपने अनुमान में 5 जून से बारिश होने का अनुमान जताया था। इसमें मौसम विभाग ने कहा था आने वाले वीक में टेम्परेचर में भी कमी आएगी। मुंबई के बोरावली, कांदिवली और दादर जैसे इलाकों में बारिश हुई। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ घंटों और दिनों में मुंबई वालों को अच्छी बारिश मिल सकती है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें पब्लिकेशन न्यूज़। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं जैनिश मिसी और आपका स्वागत है पब्लिकेशन न्यूज़ में। वक्त है मध्य प्रदेश की बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराने का। पहली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव में भाजपा को क्लीन स्वीप धपा चुकी कांग्रेस अब हार के कारणों से गुत्थम गुत्था कर रही है।
पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने आज बुधवार को बैठक बुलाई है। इस बैठक में कांग्रेस नेताओं से बातचीत कर वो रिपोर्ट तैयार करेंगे और पार्टी हाईकमान को सौंपेंगे। दरअसल चुनाव से पहले कांग्रेस की ओर से कम आधी सीटें जीतने का दावा किया जा रहा था। पार्टी हाईकमान को बड़े नेताओं से जीत की उम्मीदें थी। युवा टीम के हाथ प्रदेश की कमान सौंपी गई थी, लेकिन इसके बाद भी करारी हार का सामना पार्टी को करना पड़ा। ऐसा क्यों हुआ, अब इसे लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बैठक बुलाई है। इस मंथन बैठक में हार के कारणों पर चर्चा की जाएगी। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। आपको बता दें, मुरैना श्योपुर लोकसभा सीट पर भाजपा की जीत के शिल्पकार विजयपुर के कांग्रेस विधायक रामनिवास रावत रहे। रामनिवास रावत ने मतदान 7 मई से एक हफ्ते पहले यानी 31 अप्रैल को कांग्रेस का हाथ छोड़कर भाजपा की सदस्यता ली थी। रामनिवास के भाजपा में जाने से पहले कांग्रेस प्रत्याशी सत्यपाल सिंह न सिर्फ विजयपुर बल्कि श्योपुर विधानसभा में भी मजबूत स्थिति में थे। रावत ने भाजपा ज्वाइन कर ली, लेकिन कांग्रेस से इस्तीफा नहीं दिया और कांग्रेस विधायक रहते हुए भाजपा के लिए पूरे दमखम से काम किया और परिणाम ये रहा कि विधानसभा चुनाव में खुद 18,000 वोट से जीते। रावत की वजह से भाजपा को लोकसभा चुनाव में 35,216 वोट से बढ़त मिली। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, जबलपुर के गोसलपुर थाना इलाके के कटरा रामखीरिया गांव में 20 फीट गहरी खदान धंस गई। खदान धंसने से 7 मजदूरों की दबने की सूचना है। अब तक 3 लोगों के शव निकाले जा चुके हैं। हादसे में 3 लोग घायल और 1 लापता बताया जा रहा है। घायलों में 25 वर्षीय खुशबू, पति विनोद, 35 वर्षीय सावित्री, पति अनु बसोर और 20 वर्षीय चांदनी पिता राजू बसोर शामिल है। वहीं अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, मंगलवार 4 जून को लोकसभा चुनाव की मतगणना हुई। इसी क्रम में उज्जैन के शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में मतगणना के दौरान एक शर्मनाक घटना सामने आई। आपको बता दें कि दिन भर लगातार मेहनत करने वाले मतदान अधिकारियों और कर्मचारियों को खराब गुणवत्ता वाला भोजन परोसा गया। उनको दिए गए खाने में सब्जी से बदबू आ रही थी और चावल भी घटिया किस्म के थे। अन्य खाद्य सामग्री भी लो क्वालिटी की थी। इसकी वजह से मतदान कर्मियों में रोष देखने को मिला। मतगणना में लगे अधिकारियों ने जब खराब भोजन की शिकायत की तो कलेक्टर सिंह ने खुद मौके पर पहुंचकर जांच की। उन्होंने पाया कि भोजन की गुणवत्ता बेहद खराब थी और कई पैकेट्स में खाना खराब भी हो चुका था। इस घटना की जानकारी मिलते ही कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने तुरंत मामले की जांच करवाई। वहीं अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, कटनी जिले में एक 7 साल की मासूम बच्ची खेलते खेलते घर में बन रहे सेप्टिक टैंक के गड्ढे में गिर गई, जिसमें भरे पानी में डूबने से बच्ची की मौत हो गई। जानकारी लगने पर परिजनों ने उसके शव को बाहर निकाला। पूरा मामला रीठी थाना क्षेत्र के गांव बूढ़ा का है। पुलिस ने मर्ग कायम करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए रीठी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें पब्लिक एशिया न्यूज़। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं जैनिश मिश्री और आपका स्वागत है पब्लिक एशिया न्यूज़ में। अब वक्त है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराने का। पहली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, अमेठी से कांग्रेस पार्टी के नवनिर्वाचित सांसद किशोरी लाल शर्मा ने अपनी जीत को जनता की जीत बताते हुए स्मृति ईरानी के बयान पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने स्मृति ईरानी को लेकर कहा, हार जीत तो चलती रहती है, एक को जीतना था और दूसरे को हारना था। अगर कोई कहता है कि उसका जोश अभी भी बरकरार है तो ये अच्छी बात है। किशोरी लाल शर्मा ने कहा, मैं राहुल गांधी जी का विजयी प्रमाण पत्र उन्हें सौंपने के लिए लेकर आया था। वो उन्हें सौंपा और सोनिया गांधी का आशीर्वाद लिया। उनकी तरफ से कहा गया कि आप जैसे हैं वैसे ही रहना है, किसी प्रकार का घमंड नहीं करना है, मैं इस निर्देश का पालन करूंगा। वहीं उन्होंने आगे कहा, जीत के साथ जिम्मेदारी भी आती है। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, देश के सबसे चर्चित लोकसभा क्षेत्र फैजाबाद से सांसद बने अवधेश प्रसाद ने बुधवार को बड़ा ऐलान किया है। शहादतगंज स्थित अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अगले 48 घंटे के अंदर अंदर इंडिया गठबंधन की सरकार बनने का दावा किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने विकास के नाम पर अयोध्या की जनता को ठगने और छलने का काम किया है। सरकार बनने के अगले 3 महीने के अंदर फैजाबाद की जनता को उनका खोया हुआ सम्मान वापस मिलेगा। जिन किसानों की विकास के नाम पर जमीन छीन ली गई है, उन्हें उसका उपयुक्त मुआवजा दिलाया जाएगा।
अगली खबर की ओर बढ़ते हो, आपको बता दें लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बुरे प्रदर्शन के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपने सहयोगियों पर सवाल उठाए हैं। योगी सरकार के मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने कहा कि हमको बड़बोलेपन का नुकसान हुआ है। धर्मवीर प्रजापति ने सहुलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता और योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर और निषाद पार्टी के नेता और मंत्री संजय निषाद से जुड़े सवाल पर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि बड़बोलेपन का नुकसान हुआ है। प्रजापति ने कहा कि पश्चिम से पूर्वांचल तक की बैठकों में मैंने जो महसूस किया कि विपक्ष के संविधान और आरक्षण के मुद्दे ने पिछड़े और अनुसूचित वर्ग को हमसे दूर किया। हम आत्मविश्वास में थे लेकिन कार्यकर्ताओं में मायूसी थी। अगली खबर की ओर बढ़ते हो, आपको बता दें लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद देश की संसद में अब एक नई तस्वीर दिखाई देगी। लोकसभा में इस बार 25 मुस्लिम सांसद जीतकर पहुंचे हैं। उत्तर प्रदेश की भी इसमें बड़ी भूमिका है। यूपी से भी कई ऐसे मुस्लिम उम्मीदवार रहे जो लोकसभा चुनाव जीतकर देश की संसद में पहुंचे हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने 4 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया था। इनमें गाजीपुर लोकसभा सीट से अफजाल अंसारी ने 1,24,861 के अंतर से बीजेपी के पारसनाथ राय को हरा दिया और संसद में पहुंच गए। कैराना सीट से सपा मुस्लिम प्रत्याशी इकरा हसन, संभल से सपा उम्मीदवार जियाउर रहमान बर्क और रामपुर सीट से मुहिबुल्ला में जीत दर्ज की। सपा से चारों मुस्लिम उम्मीदवारों ने जीत हासिल की और संसद में पहुंचे हैं। अगली खबर की ओर बढ़ते हो, आपको बता दें यूपी के जौनपुर जिले में बुधवार रात करीब 2 बजे 3 जनपदों में आतंक का दूसरा नाम बने 1,00,000 के इनामी बदमाश प्रशांत पांडे उर्फ कल्लू पांडे को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया। बता दें वो सुल्तानपुर जिले के अमरथु ढड़िया कोतवाली कादरीपुर का निवासी था। एसपी अजय साहनी ने मुठभेड़ करने वाली टीम को इनाम राशि देने की बात कही है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें पब्लिक एशिया न्यूज़। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं जैनिश मिश्री और आपका स्वागत है पब्लिक एशिया न्यूज में। अब वक्त है देश की बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराने का। पहली खबर आ रही है शामली से, जहां मोहल्ला नाला पटरी आयुरपुरी में भीषण गर्मी के चलते ट्रांसफार्मर में आग लग गई, जिससे मोहल्ले में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने कई घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बता दें शहर के मोहल्ला नाला पटरी आर्यपुरी में एक ट्रांसफार्मर खुले में रखा हुआ है। बुधवार की दोपहर भीषण गर्मी के चलते ट्रांसफार्मर में आग लग गई, जिससे मोहल्ले में अफरा तफरा फैल गई। विद्युत विभाग को सूचना देकर क्षेत्र की लाइट को बंद कराया गया। सूचना पाकर दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और घंटों मशक्कत के बाद ट्रांसफार्मर में लगी आग पर काबू पाया जा सका। इस दौरान क्षेत्र की पावर सप्लाई बाधित होने से लोगों को भीषण गर्मी में दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। आइए दिखाते हैं आपको हमारे संवाददाता दीपक शर्मा की रिपोर्ट। अगली खबर आ रही है बुलंदशहर से, जहां लोकसभा सीट के भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर भोला सिंह 2,75,000 वोटों से जीते। बीजेपी के भोला सिंह ने कांग्रेस के शिवराम को हराया है। वहीं जिलाधिकारी ने उन्हें प्रमाण पत्र दिया। पूर्ण सुरक्षा के बीच मतगणना संपन्न हुई। आइए दिखाते हैं आपको हमारे संवाददाता प्रदीप पंडित की रिपोर्ट। आज कितने मतों से आपकी जीत हुई है और क्या कहना चाहेंगे बुलंदशहर जनता के? भाई 3,50,000 से विजय रही है इस उसमें, और मैं अपने शीर्ष नेतृत्व को भारतीय जनता पार्टी के और अपने क्षेत्र के सभी सम्माननीय कार्यकर्ता बंधुओं को, सभी अपने मतदाताओं को बहुत बहुत उनका आभार करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि पार्टी ने तीसरी बार मुझे यहाँ से मौका दिया, मुझ पर विश्वास जताया और हमारे कार्यकर्ताओं ने दिन रात मेहनत की और यहाँ की जनता ने तीसरी बार उस विश्वास को अपनी मोहर लगाकर और मतदान कम होने के बावजूद भी, परसेंट कम होने के बावजूद भी इतनी प्रचंड बहुमत की जीत दी है। इसके लिए मैं अपनी क्षेत्र की जनता का बहुत बहुत आभार करता हूँ, बहुत बहुत उनका धन्यवाद करता हूँ। इस बार कौन से ऐसे काम होंगे जो जनता के रहेंगे? देखिए 10 साल में देश के साथ साथ बुलंदशहर में भी ऐतिहासिक विकास हुआ है और उस विकास की सौगात में हमारे बुलंदशहर का मेडिकल कॉलेज, हमारे यहाँ बुलंदशहर से मेरठ, बुलंदशहर से अलीगढ़, बुलंदशहर से दिल्ली का राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण, लगभग 40 से अधिक प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनाओं में वो बनना, सड़क बनना, और इसके साथ साथ हम जब 2014 से पहले गैस के लिए जाते थे तो लाइन में लगते थे, लेकिन मोदी जी ने इस 5 साल 10 साल के कार्यकाल में
वो पाइप गैस की लाइन ख़त्म करके पाइप लाइन के द्वारा रसोई तक गैस पहुंचाने का काम बुलंदशहर में शुरू कर दिया है। और जो सरकार की योजनाएं थी, चाहे किसान सम्मान निधि हो, चाहे आयुष्मान भारत कार्ड हो, चाहे आपका प्रधानमंत्री आवास में मकान बनना हो, और चाहे हमारे जो गरीबों को अनाज पहुँचाने का काम हो, सभी को बहुत ऐतिहासिक स्तर से हमारी सरकार ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से जन जन को लाभ पहुंचाने का काम किया है। अगली खबर आ रही है बुलंदशहर से, जहां राशन घोटाले में डीएसओ, डिप्टी आरएमओ, सप्लाई इंस्पेक्टर, मार्केटिंग ऑफिसर सस्पेंड किए गए हैं। बता दें कि भाजपा युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष के पिता ने सप्लाई मार्केटिंग अफसरों से सांठगांठ कर 3000 क्विंटल राशन का गोलमाल किया था। डीएम ने एसडीएम प्रशासन की जांच रिपोर्ट के आधार पर दर्ज कराई थी। भाजयुमा जिलाध्यक्ष के पिता समेत 7 राशन माफियों पर एफआईआर दर्ज की गई। राशन माफियाओं ने 3000 क्विंटल राशन को राशन की दुकानों पर पहुंचाने के बजाय बाजार में बेच दिया था। राशन घोटाले की जांच में शासन की टीम ने भी गड़बड़ी पकड़ी थी। जांच रिपोर्ट के आधार पर डिप्टी आरएमओ, डीएसओ और सप्लाई इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया गया। राशन घोटाले में एक साथ जिला स्तरीय अफसरों के सस्पेंशन से बुलंदशहर से लेकर लखनऊ तक हड़कंप मचा हुआ है। आइए दिखाते हैं आपको हमारे संवाददाता प्रदीप पंडित की रिपोर्ट। आगे बढ़ते हुए आपको बता दें, बुलंदशहर के गुलावठी, बीबी नगर और स्वाट टीम की दो अलग अलग क्षेत्रों में 4 गौकशों से मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान पुलिस की गोली लगने से 4 गौकश बदमाश घायल हो गए। घायल बदमाशों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बता दें, गिरफ्तार आरोपियों पर विभिन्न थानों में कई गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। गौकशों से 4 तमंचे, 4 कारतूस, 3 खोखे, 2 बाइक और गौकशी के उपकरण बरामद किए गए। बीबी नगर और गुलावटी थाना क्षेत्र में हुई स्कॉर्पियो सवार गौकशों से पुलिस की मुठभेड़। आइए दिखाते हैं आपको हमारे संवाददाता प्रदीप पंडित की रिपोर्ट। थाना गुलावटी और स्वाट की संयुक्त टीम द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की चेकिंग के दौरान 2 बाइक और 1 स्कॉर्पियो को रोकने का प्रयास किया और ये रुके नहीं और बीबी नगर रोड पे भागने लगे। संयुक्त टीम ने इनका पीछा किया, जिसमें एक बाइक सवार जो है वो फिसल कर गिर गया और उस पर सवार 2 संदिग्धों ने पुलिस पार्टी पे फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस ने आत्मरक्षार्थ फायरिंग किया, जिसमें 2 बदमाश घायल अवस्था में गिरफ्तार किए गए। इसके पश्चात आरटी सेट जरिए सूचना दी गई कंट्रोल रूम को। कंट्रोल रूम से सूचना मिलने पे थाना बीबी नगर की पुलिस ने बाइक सवार स्कॉर्पियो दोनों को रोकने का प्रयास किया, जिसमें बाइक सवार ने थाना बीबी नगर की पुलिस टीम पे फायरिंग किया। जवाब में पुलिस टीम ने फायरिंग की, जिसमें 2 बदमाश घायल अवस्था में गिरफ्तार किए गए। 4 को हॉस्पिटल में उपचार हेतु भर्ती कराया गया है। ये थाना गुलावठी पर वो कश का मुकदमा अपराध संख्या 111/24 में वांछित भी थे। गिरफ्तार अभियुक्त के नाम अरमान, अफजाल, फुरकान और शमीर हैं और ये सभी थाना गुलावठी के रहने वाले हैं। बरामदगी में इनके पास से 4 तमंचा, 1 होंडा शाइन, 1 टीवीएस स्पोर्ट और पशु बांधने के 4 रस्से मिले। सभी अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास पुरुष रहा है। आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। अगली खबर आ रही है रोहतक से। आपको बता दें कि कांग्रेस प्रत्याशी दीपेंद्र हुड्डा रोहतक लोकसभा से 3,88,741 वोटों से विजयी हुए। चुनाव पर्यवेक्षक अजय कुमार ने दीपेंद्र हुड्डा को विजयी घोषित कर उन्हें सर्टिफिकेट दिया। जीत के बाद शहर में ढोल नगाड़ों के साथ विजय जुलूस निकाला गया। विजय जुलूस में भारी जनसैलाब उमड़ा। दीपेंद्र हुड्डा के समर्थक ढोल की थाप पर जमकर थिरके और कांग्रेस के समर्थन में नारे भी लगाए। वहीं दीपेंद्र हुड्डा बोले, ये मेरी नहीं जनता की जीत है। सोनीपत के प्रत्याशी सतपाल ब्रह्मचारी भी सोनीपत से जीत हासिल करने के बाद देर रात दीपेंद्र हुड्डा के विजय जुलूस में पहुंचे। आइए दिखाते हैं आपको हमारे संवाददाता सुक्रम पाल की रिपोर्ट। हाय,
ये सोनीपत की जनता और खास करके चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के प्रति जो सोनीपत की जनता का प्यार और जनता जो हरियाणा की जनता चाहती है कि हरियाणा में आने वाले समय में चौधरी साहब भूपेंद्र सिंह हुड्डा और हमारे एमपी सदाबहार जिन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया भाई दीपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार। भारत की जनता ने देख लिया है, तय कर लिया है कि झूठ के सिवाय भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ नहीं है, इसलिए उनका एग्जिट पोल। अब देखो 400 पार बता रहे थे आपके सामने, आप पत्रकार हो, सारा उनके पैसे दीवे लोग थे जो रोज दिखा रहे थे कि 400 पार होंगे 400 पार होंगे, लेकिन ये 400 हासिल हुई है, क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले आपके माध्यम से रोहतक लोकसभा क्षेत्र वासियों का दिल से बहुत बहुत मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, इतना आशीर्वाद उनका मिला है। हाथ नीचे कर ले यार, एक मिनट सारे आ जाते सर, एक बार सारे प्लीज थोड़ा सा कैमरा पीछे। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें पब्लिक एशिया न्यूज़। धन्यवाद।